तो हेलो गाइस, वेलकम टू राजीव क्लासेस। देखो ये जो मतलब आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि आईआईटी ने क्वेश्चन नंबर 6 जो पेपर 2 फिजिक्स का है उसको बोनस मार्किंग कर दिया है। अब ये बोनस मार्किंग कर दिया है तो बहुत सारे बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि इसको बोनस मार्किंग किया क्यों गया है, क्या रीज़न है कि आईआईटी को बोनस मार्किंग करना पड़ा। दो क्वेश्चन को लेके मैंने आपको बताया कि जो आईआईटी ने टेंटिव आंसर दिया है उसको लेके कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो गया है। 30 नंबर क्वेश्चन जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें तो डेफिनेटली आईआईटी को देखना ही होगा, आंसर 1 देना ही होगा, क्योंकि वो प्रिंटिंग एरर है। या तो आपको बोनस करना होगा या तो आपको x=1 का वैल्यू देना होगा, जो बबल वाला क्वेश्चन था। अगर बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो क्वेश्चन था उसके अंदर आईआईटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप क्वेश्चन को क्या मीनिंग ले रहे हैं। आईआईटी बोल सकती है कि ठीक है, ये आपका सोचने का परसेप्शन है, हमारा सोचने का ये परसेप्शन नहीं है, तो वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो मीनिंग है उसका डिफरेंट डिफरेंट निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन को लेके बोनस देने का रीज़न सच पूछे तो नहीं देना चाहिए था आईआईटी को बोनस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एरर नहीं है, फिर भी आईआईटी ने बोनस दे दिया। तो आइए जानते हैं रीज़न क्या है कि आईआईटी को बोनस देना पड़ा। देखिए, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पेपर 2 का है, इंटीजर टाइप का है। आपके पास एक सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, जिसका हाइट 8 मीटर दे दिया है वर्टिकली, जिसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है, और ये डायाथर्मिक है, ठीक है। इसका मतलब परफेक्टली तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है। और आपको बोल दिया इसका पिस्टन का मास भी दे दिया है। द पिस्टन इज हेल्ड इनिशियली एट डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द टॉप, ठीक है, दे दिया है। ईच जो है दोनों के पास 0.1 मोल भी मेंशन कर दिया, दोनों का मोल भी मेंशन कर दिया है। उसके बाद टेम्परेचर जो है आइडियल गैस मेंशन कर दिया, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन मेंशन कर दिया है। पार्टीशन को रिलीज़ किया गया विदाउट लीकिंग ऑफ गैस, ठीक है, पार्टीशन को रिलीज़ किया गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा थोड़ा देर बाद समझते हैं। और ये थर्मली आइसोलेटेड है, इसका मतलब हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओवरऑल हीट जो है वो आपका 0 होगा। अभी देखिए, सबसे पहले ये जो पिस्टन है ये नीचे क्यों आएगा ये समझते हैं। ये ग्रेविटी की वजह से जो है वो नीचे आएगा, चलो ठीक है। अभी देखो, आपको पता है कि अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा इसका मतलब यहाँ जो है कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं है, क्योंकि बाहर से कोई हीट वीट आया नहीं है, तो टेम्परेचर में कोई जो है वो चेंज नहीं होगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि टेम्परेचर में कोई यहाँ चेंज होने के चांसेस नहीं है। उसके बाद इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स आपका नीचे से होगा, ये चीज़ को हम समझते हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि जो टेम्परेचर 300 केल्विन है पहले दिया हुआ है, ये सेम टेम्परेचर आपका हमेशा आपका रहेगा बिफोर आपका इनिशियल जो पिस्टन आप स्टार्ट किया था, और जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा दोनों केस में टेम्परेचर सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो बड़ा ना हो, तो इसलिए मैंने सॉल्व करके भी यहाँ रखा है, मैं खुद से सॉल्व इसको कर रहा था। पहले देखो, इनिशियली क्या है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दोनों साइड प्रेशर सेम रहेगा, पहले भी प्रेशर सेम रहेगा और वॉल्यूम इक्वल रहेगा, क्योंकि ये 4 मीटर होगा और ये भी आपका 4 मीटर होगा। तो सिंपल सा PV=nRT आप लगा दिए पहला इक्वेशन। अगर आप इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम जब अचीव कर लिया तो अगेन P1V1=P2V2, फिर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है =0.R×T, अगेन ये रहेगा। अच्छा, प्रेशर बैलेंस को देख लेते हैं, पिस्टन को ध्यान से देख लेते हैं। अगर आप वीडियो में देखो, चलो मैं आपको यहाँ पिस्टन बैलेंस कर देता हूँ, ध्यान से देखो। ये जो है मान लो पिस्टन है, तो ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा P1×A, और नीचे से प्रेशर लग रहा होगा P2×A, और नीचे लग रहा होगा इसका mg लग रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है जो P2 का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P1+mg/A हो जाएगा। तो चलो मैं उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया हूँ। तो सिंपल सा मैंने बोल दिया कि ठीक है, जब पिस्टन जो है वो नीचे आ गया, तो सपोज कर लो यहाँ जो है ये टोटल हाइट y हो गया, मतलब यहाँ पहले 4 था, तो 4+y लिखने की जगह मैंने टोटल y लिख लिया, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा y है, ठीक है। तो मैंने y लिख दिया, तो सिंपल सा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मैंने करके यहाँ P×V कर लिया। अगेन P2 का वैल्यू मैंने पुट कर लिया, इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8-y, क्योंकि ऊपर से आपने पूरा y माना है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 8-y हो जाएगा, ये मैंने पुट कर दिया। अगेन =0.1×R×T रहेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका y का जो वैल्यू है वो 6 आएगा। देखो ध्यान से, 6 पुट कर दो तो क्या 6 मतलब 6×3
18 और 6 + 3 9 9 × 2 18, मतलब ये ऑब्वियस बात है ये क्वाड्रेटिक होगा, मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ, दैट इज 6। ज़्यादातर बच्चों ने 6 मीटर मार के आया और जो भी हम लोग ने भी आंसर इसको जो है 6 ही दिया था एडवांस का जब मैं सॉल्व कर रहा था तो। लेकिन अब इसमें एरर क्या है, एरर ऑब्वियस बात है एरर सबको लगेगा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखो ये जो है ये आपको पता है एक बात कि यहाँ ग्रेविटी तो है, ठीक है बाहर से हीट नहीं आ रहा बट ग्रेविटी का तो वर्कडन होगा, तो ग्रेविटी का जो वर्कडन होगा वो टेम्परेचर में चेंज लेके आएगा, तो टेम्परेचर में चेंज लेके आएगा तो इस केस में ये वाला जो तरीका है ये टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमजी तो वर्कडन करेगा और एमजी जो वर्कडन करेगा वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस अगर कोई बच्चा उस तरीके से निकालता है तो उस केस में उसको करना होगा सिंपल सा, पहले तो ठीक है पीवी इक्वल्स टू आपका एनआरटी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम बात करें फाइनल तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 तो बोथ साइड के लिए रहेगा, आप मतलब गैस इक्वेशन में लगा सकते हो, प्लस NR यहाँ फाइनल टेम्परेचर TF लिखना पड़ेगा, 300 नहीं रहेगा क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज मान रहे हो। अब ये चेंज टेम्परेचर आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा जो MG सपोज करो कि मान लो ये पहले तुम्हारा ये सिलेंडर है और पिस्टन जो है आपका 4 मीटर पे था, ठीक है ये सपोज कर लो 4 मीटर पे था पिस्टन, ठीक है। अब ये जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो लेट से ये पिस्टन जो है थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सपोज कर लो ये जो है वो एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया है, ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या होगा, सिंपल सा मीनिंग ये है कि एम जी एक्स तुम्हारा वर्कडन होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है, इक्वल टू कहाँ एन सी वी डेल्टा जी टी जाएगा। अब बोलोगे भैया यहाँ सी वी का तो वैल्यू मेंशन नहीं है कि मोनोटोमिक गैस है डायटोमिक गैस है, 3/2 R लें या 5/2 R लें, अब क्या करें। देखो यहाँ आइडियल गैस दे दिया है और आप आइडियल गैस का मतलब ही आप एज्यूम करते हो कि एटम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ कंटेनर, इट मीन्स यू आर पॉइंटिंग टूवर्ड मोनो एटोमिक गैस। तो उस केस में आप एम जी का जो वैल्यू है पुट करके यहाँ क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू सी वी का 3/2 R इंटू टी एफ माइनस क्या होगा 300 चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एम जी का पता है एम का वैल्यू 8.3 दे दिया तो ये कैलकुलेशन कट जाएगा और आप यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या मोल भी दे दिया 0.1, तो इसका मतलब एक कैलकुलेशन करके आपको टी एफ आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ एक्स, टी एफ जो है फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। चलो अब क्या होगा, सिंपल सा अगेन पी तो सेम तरीका रहेगा, पी वन इंटू आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 + x, क्योंकि मैंने यहाँ x माना है डिस्प्लेसमेंट, इंटू आपका एरिया, ठीक है। P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस क्या हो जाएगा MG/A इंटू 4 - x इंटू ए इक्वल्स टू क्या NRTF, क्या NRTF रहेगा, ठीक है। अब देखो सारा चीज़ को आप x के टर्म में रिप्लेस कर दोगे, मतलब P1 इंटू ए वाला इक्वेशन इसको इसके साथ मर्ज करके क्या हो जाएगा आपका x का तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा और x का वैल्यू 1.7 के आसपास आएगा, जो कि आपका टोटल नाउ जो हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टॉप वो 5.7 हो गया, जिसको राउंड ऑफ फिगर करके आप 6 ही कर सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप है तो आप 6 लिख सकते हो। बट इसमें एक जो चीज़ है कि IIT ने शायद ये सोचा कि कोई बच्चा क्लेम कर सकता है कि सर आपने MG वर्कडन ये ना करके, बट ये मतलब मुझे लगता है कि इसको बोनस नहीं करना चाहिए था। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 और जो मैंने आपको बताया 13 वाले उसमें बिल्कुल उसमें करना चाहिए था बट IIT ने इसमें कर दिया। तो मेरे साइड से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था और मैं नेक्स्ट केमिस्ट्री का सोल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ, टाइम की बहुत कमी रहती है क्योंकि रेगुलर बैचेस हमारा चल रहा होता है IIT के लिए क्योंकि नए बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो फिजिक्स के पेपर केमिस्ट्री के पेपर मैंने पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट सॉल्व किया है दोनों पेपर, तो मैं आपको एनालिसिस और भी मैंने ऐसे दे दिया था बट और सॉल्व कर रहे हैं तो और पता चल रहा है कि बच्चे को क्या क्या परेशानियाँ हुई होंगी। केमिस्ट्री का तो मैं बताऊँ कि इतना मैंने मोटा सॉल्यूशन बना रखा है, खुद से पूरा सॉल्व किया है पेपर, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इसको पूरी तरह वीडियो बनाएं, ऑलमोस्ट 45-50 मिनट लगेगा। तो आपको लगता है कि अच्छा ये वीडियो लगा है तो काइंडली शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो टेक केयर।